स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, दिस इज फारिया परकार फ्रॉम द रेसिपी शो। ओके, लास्ट वीकेंड मैं नहीं आ पा, लास्ट वीक ट्यूसडे को मैंने शो नहीं किया था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जो मैंने कहा था कि हम लोग इंशाल्लाह इस मंथ में ज़्यादातर स्टार्टर्स करेंगे। एंड ऑल्सो मैं ट्राई करूँगी कि कुछ रेसिपीज़ मैं अपने पोस्ट पे डालूँ, प्लस आप लोग को मेरी यूट्यूब चैनल्स पर भी मैं प्रिपरेशंस कर रही हूँ, आप लोग वहाँ से भी बहुत सारे रेसिपीज सीख सकते हो। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ कॉर्न के समोसे, ठीक है। अब बेसिकली सब लोग बोलेंगे कि कॉर्न तो अभी मिलेंगे नहीं, लेकिन कैन में मिलते हैं, ठीक है, तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो अब जो कैन में अवेलेबल होते हैं वो कॉर्न आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा कॉर्न के समोसे, ठीक है। सो मैं कैमरा पहले एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं। आपके डाउट्स जो भी रहेंगे मैं जब जब देखती जाऊंगी तब तक मैं उनको सॉल्व करूंगी इंशाल्लाह। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहेगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, या आप लोग मुझे बाद में भी जब आप प्रिपरेशंस करो दैट टाइम पे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने गैस ऑन किया है, अब सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी बटर। मैं यहाँ पे आपको प्रिफर करूंगी कि आप लोग बटर ही यूज करो, क्योंकि कॉर्न के साथ बटर का फ्लेवर बहुत सुपर्ब लगता है। तो अगर नहीं यूज करना तो आप लोग ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट मैं प्रिफर करूंगी आप लोगों को कि ट्राई टू यूज बटर ओनली, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सब इधर स्प्रेड करती हूँ। अब मैंने बटर डाला है, पहले तो मैंने 2 सेकेंड के लिए पैन को गर्म किया, फिर मैंने उसमें बटर डाला और मैं उसको सब इधर स्प्रेड कर रही हूँ। देन अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून ऑफ चॉप गार्लिक, ठीक है। गार्लिक को पील करके, ये मेरा अप्रोक्सीमेटली पूरा 2 स्पून है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे, इसको डार्क नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा सॉटे करना है। फ्लेम लो इसलिए रखना है क्योंकि बटर है फौरन जल जाएगा, इसलिए इसको लो फ्लेम पर ही करना है फिलहाल, ठीक है। हम लोग अभी गार्लिक को थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। थोड़ा सा सॉटे उस वक्त तक करना है जब तक उसकी रॉ स्मेल चली नहीं जाती, फास्ट पे करोगे जल जाएगा बटर हमारा स्पेशली, तो हमें स्लो पे करना है। ठीक है, ये मेरा अच्छे से सॉटे हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बॉयल एंड श्रेडेड चिकन। बेसिकली मैंने चिकन को बॉईल करने के टाइम पर थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट प्लस सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया था, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से सॉटे कर लूँगी फर्स्ट। अब मैं फ्लेम को मीडियम कर रही हूँ, ठीक है। के बाद मैं इसमें डालूंगी कॉर्न। ये मेरा 1 कप कॉर्न है, मैंने चिकन डाला था 1/2 कप,
अब ये कॉर्न बॉईल किए हुए नहीं है, नॉर्मल है। या आप लोग अगर जो मार्केट में भुट्टा मिलता है, जो कॉर्न्स मिलते हैं, आप उसके भी डायरेक्टली वो यूज़ कर सकते हो दाने निकाल के। कंपलसरी नहीं है कि आप कैन का यूज़ करो। और मैंने इनको ना बॉईल किया है ना कुछ कुछ भी नहीं, जस्ट वॉश करके मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने कॉर्न डाली हूँ, अब मैं फ्लेम को वापस से लो कर रही हूँ, क्योंकि हमें जलाना नहीं है। कॉर्न को थोड़ा सा स्लो फ्लेम पर ही कुक करना है ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट एकदम मैं लाइट डाल रही हूँ क्योंकि हमने इसमें बटर भी डाला था। देन हमारा जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर। फिर जाएगा क्यूमिन पाउडर, मतलब जिसे हम ज़ीरा कैक बोलते हैं। क्वांटिटी की डिटेल्स आपको मिल जाएगी हमारा होने के बाद, कमेंट सेक्शन में मैं मेंशन कर दूँगी। देन हाफ स्पून था वो, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 स्पून ऑफ चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो स्पाइस के हिसाब से। एंड अ लिटिल 1/4 स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। एंड हियर चाट मसाला, यहाँ पर आप लोग चाट मसाले की भी क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। आई एम यूजिंग 1/2 स्पून ऑफ चाट मसाला पाउडर। आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो चाट मसाला, क्योंकि हर किसी को चाट मसाले का टैंगी फ्लेवर पसंद नहीं आता है। गिव ए नाइस मिक्स, उसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। ओके, नाउ आई एम एडिंग 1 स्पून ऑफ वाटर। ठीक है, 1 स्पून के करीब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी जिसे लगता है कॉर्न्स अगर कच्चे हैं तो नहीं, वो हो जाते हैं, डोंट वरी। फ्लेम लो है, मैंने 1 स्पून के करीब पानी डाला है इसमें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप के करीब, उससे कम है कैबेज है, और 1/4 कप से थोड़ी ज़्यादा कैप्सिकम है, बट रेशो दोनों का हाफ होना चाहिए। ठीक है, कैबेज एंड कैप्सिकम का रेशो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, बट दोनों का रेशो हाफ कप से ज़्यादा ना हो। मतलब 1/4 कप अगर आप कैप्सिकम ले रहे हो तो 1/4 कप आप कैबेज लीजिए, या फिर जैसे कैबेज का थोड़ा स्वीट फ्लेवर रहता है, कॉर्न भी ऑलरेडी स्वीट होते हैं, तो आप कैबेज को 1/4 कप से थोड़ा कम कीजिए और कैप्सिकम को 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा कीजिए, और 1/2 कप के अप्रॉक्स दोनों की क्वांटिटी लेना है आपने। इसे हम थोड़ी देर के लिए स्लो फ्लेम पर ही रखेंगे,
थोड़ा सा ढक के, क्योंकि हम कॉर्न को भी कुक होना है, कॉर्न कुक नहीं होगे तो बहुत ज्यादा कच्चे रहेगा, फिर सिर्फ फ्राइंग प्रोसेस बच जाता है। वालेकुम अस्सलाम, ये बन रहा है हमारा कॉर्न समोसा। एकदम सिंपल और बेसिक रेसिपी थी जिसमें कुछ ज्यादा स्ट्रेस वाली बात नहीं थी, फिर भी अगर किसी को कोई चीज नहीं समझे तो दे कैन आस्क मी। मैंने यहीं पर जब तक वो स्टीम पे रखी थी, मैंने मैदा और पानी यूज़ करके एक स्लरी बना ली है समोसों को स्टिक करने के लिए। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। फ्लेम को करेंगे ऑफ। इसको हम लोग डिश आउट कर लेते हैं। इसे हमें पहले कंप्लीटली ठंडा करना होगा। कंप्लीट ठंडा होने के बाद ही हम उसको हमारे जो समोसे की स्ट्रिप्स है उसमें फिल करेंगे। ये मैंने स्लरी बनाई है, गैस मुझे आपका कश्यप आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ओके, मैं 2 मिनट, ये जब तक ठंडा होता है मैं आप लोगों के कुछ डाउट्स है आप लोगों को तो मैं वो क्लियर कर देती हूँ। यस कश्यप, आपका क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया।
ओके क्या क्या डाले आपने? ओके तो मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट हम लोगों ने लिया बटर, पैन में हमने बटर डाला, बटर को स्लो फ्लेम पर पूरा मेल्ट होने दिया। देन उसमें हमने डाला 2 स्पून ऑफ चॉप गार्लिक, गार्लिक डाला हमने उसमें 2 स्पून चॉप करके। देन उसके बाद थोड़ा उसको सॉटे किया उसकी रॉ स्मेल जाने तक। फिर उसमें हमने बॉयल एंड श्रेडेड चिकन ऐड किया। चिकन को थोड़ा सॉटे करने के बाद उसमें हमने 1 कप कॉर्न डाले। कॉर्न आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कैन वाले भी यूज़ कर सकते हो, और नॉर्मली जो मार्केट में मिलते हैं उन कॉर्न के भी सीड्स निकाल के जैसे उनको भी यूज़ कर सकते हो आप वॉश करके। फिर देन स्पाइसेस में मैंने ऐड किया सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स, क्यूमिन पाउडर एंड चाट मसाला। इन सबको डालकर सॉटे किया। 1 टू 2 स्पून के अप्रॉक्स मैंने उसमें पानी डाला ताकि अच्छे से हमारे कॉर्न कुक हो जाए। फिर जब कॉर्न अच्छे से कुक हो गए देन मैंने उसमें ऐड किया कैप्सिकम एंड कैबेज, उसको मिक्स कर दिया। मिक्स होने के बाद थोड़ी देर के लिए ढक्कन मार के रख दिया ताकि जो सारे फ्लेवर्स है और जो हमारा कॉर्न है और सारे वेजीज हैं थोड़े से सॉटे हो जाए। हमें उनको एकदम ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, थोड़ा सा कुक करना है, इसलिए हमने उसको थोड़ी देर के लिए ही रखा। फिर वो अच्छे से सॉफ्ट लग गए मुझे तो मैंने गैस को बंद कर दिया। पूरा प्रोसेस लो फ्लेम पे करना है। और ये अभी ठंडा हो रहा है, ठंडा ऑलमोस्ट हो चुका है। चलो मैं वापस आपको बता देती हूँ, हमारा जो बचा हुआ आगे का प्रोसीजर है हम वो फुलफिल कंप्लीट कर लेते हैं। तो दिस इज ये हमारे समोसे का बैटर है, ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। अभी हम लोग लेंगे एक स्ट्रिप। बेसिकली आप जिस तरीके से फिलिंग करते हो आप उसको वैसे फिल करना है। सबका अलग अलग पैटर्न होता है, किसी को फीलिंग्स में ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, आप आपके हिसाब से फीलिंग्स एडजस्ट कर सकते हो कम ज़्यादा में। आपको इसी रेसिपी को चीज़ वाली बनाना है तो यू कैन ऐड लॉट्स ऑफ चीज इन इट, प्रोसेस चीज़ यूज़ करना, लेकिन जब ये कंप्लीट ठंडा हो जाए उसके बाद आप यूज़ कीजिएगा, उससे पहले नहीं। मैं स्लरी अप्लाई कर रही हूँ, बेसिकली मैदा और पानी है और कुछ नहीं है। एंड दिस इज डन। इसी तरह सारे लपेट लीजिए और डीप फ्राई कीजिए। एक और चीज, अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हो तो यू कैन स्टोर इट लाइक दिस ओनली। स्टफिंग आप लोगों के ऊपर है, आप लोग को अगर कम स्टफिंग लगती है तो आप लोग कम डालिए, ज्यादा स्टफिंग लगती है तो आप लोग ज्यादा डाल सकते हो। इट्स टोटली योर कॉल।
यहाँ पर मैंने 3 समोसे रैप कर लिए, मैं आप लोगों को बता दूँ। ठीक है, उसके बाद आपको इन्हें डीप फ्राई करना है जब भी आप इसे इन्हें खाना चाहते हो। मैं फिलहाल फ्राई नहीं कर रही हूँ, बट आप लोगों को इसमें कोई डाउट है, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन। ओके, तो आज का हमारा जो शो था, इट इज़ अबाउट फर्स्ट समोसा, कॉर्न के समोसे। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट चीज़ी, तो इसके ठंडे होने के बाद, मतलब चीज़ कॉर्न समोसा अगर आपको बनाना है तो इसी स्टफिंग में आप लोग, जब स्टफिंग पूरी ठंडी हो जाएगी उसके बाद आप इसके अंदर चीज़ ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज़ फॉर टुडे ओनली, और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे, नेक्स्ट ट्यूजडे को। डोंट फॉरगेट टू कम, एंड इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले भी बताई थी, मैं आज भी वापस से अनाउंस कर रही हूँ, मैं अपनी वीडियोस जो मेरे लाइव्स है वो मैं इंस्टाग्राम से निकाल दूंगी फॉर आफ्टर सम टाइम। एंड आपको अगर सेम रेसिपीज देखनी है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे से देख सकते हो, लिंक बायो में है। एंड दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। देन अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह खैरा, एंड बाय बाय, टेक केयर।